डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। अब उसकी बात कर लेते हैं। एक और मामला आज भी देखने को मिला है, जहां पर प्रिंसिपल पति पत्नी को 24 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट किया गया। आरोपियों ने रात के समय सोते वक्त पति पत्नी पर नजर रखी, घर के रूम के अंदर डिजिटल अरेस्ट करके रखा। कैसे किया डिजिटल अरेस्ट समझ लीजिए। कस्टम में पार्सल फंसे होने का झांसा दिया, पार्सल के अंदर टाइगर की स्किन मिलने की बात कही, नेल्स होने की बात का हवाला दिया, वही 18 पासपोर्ट भी शामिल होने का जिक्र किया। फर्जी दिल्ली साइबर पुलिस की बात पर कार्रवाई की बात भी कही लोगों ने। आधार कार्ड से कई बैंक अकाउंट खोले जाने की बात कही, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे होने का झांसा दिया, जांच होने तक अपनी निगरानी में रखने का निर्देश भी दिया। आरोपियों ने फर्जी, देखिए आरोपी को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका था कि एक ट्रैप है, और दिल्ली पुलिस की ड्रेस में जो आरोपी हैं वो नजर आ रहे थे। तो ऐसे में लुटेरों ने दबाव बनाकर परिवार को 24 घंटों में डिजिटल अरेस्ट करके रखा, और पीड़ित फारूक खान ने अपनी सूझबूझ दिखाई और भोपाल साइबर सेल को आवेदन दिया, जिसके बाद एक्शन लिया गया और पूरे मामले का खुलासा हुआ है। मेरे पास एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपकी एक पार्सल है, DHL से मैं बात कर रहा हूँ, और वो कस्टम में फंस गई है, डेस्टिनेशन नहीं पहुँच पा रही है, तो आप ज़रा उसमें कुछ क्लेरिफाई कर दें। उन्होंने जो बताया कि उसमें 6 किलो कपड़े हैं और टाइगर स्किन है, नेल्स हैं, उसमें एक जूते का पैर है, 18 पासपोर्ट हैं, 8 ATM कार्ड हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं कुछ लोगों के, और ये गवर्नमेंट की एजेंसी है। आई हैड फुल फेथ इन देम, तो मैंने चलो ठीक है कोऑपरेट करें। अब इतने वो अटेंटिव थे तो मैंने कहा, ये सब चीज़ों से लग रहा था कि इट्स लुक्स जेन्युइन, जबकि उनके एक्यूजेशंस वर लुकिंग फॉल्स।